मंदिर परिसर में स्थित कुएं के पानी में अचानक दिखाई दिए सैकड़ों काले सांप। घरना ग्राम भंडरा स्थित प्राचीन हनुमंत लाल मंदिर परिसर के पास बने कुएं में सोमवार को सैकड़ों सांपों के होने से ग्रामीणों का हुजूम देखने को लिए उमड़ पड़ा। सूचना मिलते ही देवरी घाट पुलिस चौकी प्रभारी दल बल व PSC जवानों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसने वहां एकत्रित हुई भीड़ को हटाया। ग्राम भंडरा निवासी रामस्वरूप पटेल, हृदीश पटेल, मोनू पटेल, नवी अहमद, महेंद्र सिंह फौजी, लखनलाल पटेल, प्रकाश अहरवाल आदि ने बताया कि सोमवार की शाम 4 बजे प्राचीन हनुमंत लाल मंदिर परिसर के पास बने कुएं में भरे पानी के साथ सांपों के झुंड दिखाई दिए, जिससे आसपास के लोगों की भीड़ लग गई देखने के लिए। पुलिस को सूचना मिलते ही देवरी घाट चौकी प्रभारी BK सिंह, कांस्टेबल अनीश गुप्ता, आशीष द्विवेदी, अनिल पटेल, आशीष सिंह तथा PSC के जवान मौके पर पहुंचे तथा वहां लगी भीड़ को हटाया। मौजूद लोगों ने बताया कि लगातार 1 दशक तक मंदिर परिसर में हर वर्ष श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होती चली आ रही, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते श्रीमद् भागवत कथा पुराण नहीं हो सकी। वहीं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के सीजन में अधिकांश सांपों का प्रजनन सैकड़ों की संख्या में होता है, शायद कुएं में ऐसा ही हुआ है, जिससे इतने सांप इकाए अचानक से दिखाई दिए। लेकिन ग्रामीणों में अलग अलग तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। हाँ सही है, वीडियो बनी दिन कितने माँ साहब की ले पा रही जी की पे हमारी करेंगी दुकान में तो आया Audio Jungle.